नंबर 44 सब्जी पता नहीं क्या था, इतना सारा स्टॉल देखते क्या होता है। फाइनली मैं मिल चुका अभी हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए थे स्टॉल पे, हम यहाँ पे बैठे थोड़ा गपशप मार रहे हैं। व्हाट्स अप गाइस, मैं जा रहा हूँ उमरांगसो। आज 30 डे 30 है, सो आज हम लोग जाएंगे उमरांगसो में और मैं और मेरा दोस्त जाएंगे। तो मैं भी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, गाड़ी पे हम लोग जाएंगे। तो ऐसा गाड़ी सब बड़ा है तो उसमें सामान भी ज़्यादा हटेगा। और ये मैंने लुक्स पहन लिया, आज ऐसा ड्रेस में जाएगा। वहाँ जाके कपड़ा पूरा चेंज करूँगा। यहाँ पर एक दोस्त है सो वो भी आएगा और यहाँ पर दूसरा दोस्त है तो उसका गाड़ी लेंगे और उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं। ये मोनसो बैठा है वहाँ बापी और यहाँ पर मुक्ति बैठा है। हम लोग का बैग तो मतलब पूरा फुल ही हो गया। हम लोग का पूरा गाड़ी पूछे डिक्की में सब कुछ फुल है। और हम लोग अभी पेट्रोल भर रहे हैं। पेट्रोल भरने के बाद अभी हम लोग जाएंगे। रास्ता देखते कितना समय लगता है क्योंकि अभी बज रहा है 11:30। तो 11:30 बजे हम लोग निकले तो शायद आई थिंक 8 बज सकता है रात का। एंजॉय करके जाएंगे हम लोग फिर भी, ठीक है। मिलते हैं रास्ता में। जा रहे हैं हम लोग मुक्ति जाके और भी रास्ते पे रुकते हैं। अभी तो सुसु करने के लिए रुका था, बहुत जोर से सुसु लगा था। तो अभी जाएंगे आगे, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। हाफलों में घुस गए हैं, अभी बहुत भूख लगा है तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। सो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया पेट भर के। तो अभी हम लोग निकलेंगे, हम लोग का दोस्त अभी आ रहा है तो आने के बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं उमरांगसो को। यहाँ से उमरांगसो घुसेंगे हम लोग। यहाँ से पूरा रास्ता है पर हम लोग गाड़ी पूरा दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन अभी जाके यहाँ पे गाड़ी घुस रहा है। उस साइड से घुस रहा है, इस साइड पे तो पूरा गाड़ी है ही नहीं, मतलब ना के बराबर पूरा गाड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ से तो गाड़ी घुस रहा है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाल्कन फेस्टिवल पे। अभी हम लोग एंट्री हो रहे हैं। वो वहाँ पे स्टेज है, 2 स्टेज आई थिंक। वहाँ पे 2 स्टेज दिखाई दे रहा है मेरे को। पिछला आपको तो इधर ही सोया रही। हाँ। So guys हम लोग आ चुके हैं फाल्कन फेस्टिवल पे। इतना ही आज मतलब क्या बोलूँ, इतना कैंप साइट बना के रखा है यहाँ पर, आपको रहने का तकलीफ नहीं होगा सर। इतना सारा जगह बना के रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना बड़ा फील्ड है और 2 स्टेज बना के रखा है। आज थोड़ा आदमी कम है लेकिन कल ज्यादा। तो लेकिन ना अभी हम लोग बनाएंगे इधर पे, खाना वाना बनाएंगे शायद। पहले एक राउंड मारेंगे वहाँ पे, तो बहुत बड़ा है देखो सिस्टम है। अच्छा दोस्त लोग को कॉन्टेक्ट करते हैं कहाँ पर है। सो मज़ा आ गया आज, और आप लोग भी आओ सच में, जल्दी आओ यार, सच में क्या मज़ा आएगा यार सर। सो कहा से भी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। हम लोग का टेंट लगा रहे हैं, ये हम लोग गाड़ी खड़ा है। यहाँ सामान सब उठा लिया और ये हम लोग का टेंट है। सो यहाँ पर 1 2 3 प्लस 4 टेंट है और दोस्त लोग यहाँ पे खाना बनाएंगे खाएंगे। और उसके बाद थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे दोस्तों के साथ। तो अंधेरा है, लाइट नहीं है ना यहाँ पे, पर एक लाइट लगा है यहाँ पे। और ये मेरा बचपन का दोस्त भैजू है जो हाय लोग मिले यहाँ पे। तो आप लोग क्या बनाएगा? अभी हम लोग पोर्क बनाएंगे। पोर्क बनाने के खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम पे जाएंगे, हम लोग देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ बोलेगा फाल्कन कैसा लग रहा है? अच्छा ही है। अच्छा आज कम आए ना आदमी लोग, कल ज्यादा हो सकता है। कल ज्यादा होगा। इतना कैसा कैसा फील हो रहा है फाल्कन में? आपसे थोड़ा शांति है। शांति है लेकिन कल भीड़ होगा यहाँ पे। भाई क्या बना रहे हैं भाई, इसका देखो मजा है भाई। ये क्या मजा हो गया आज तो। वीडियो बना के दे रहा है बहुत सालों के बाद, वीडियो का हाथ में खाने को मिलेगा। क्या बना रहे हैं? पोर्क बना रहे हैं ना। कैसा लग रहा है फाल्कन में आके? बढ़िया लग रहा है ना। गाइस अभी हम लोग कैंप फायर करेंगे, बोन लगा के रखा है, पता जले कि नहीं क्योंकि अभी थोड़ा गीला हो गया ना लकड़ी, तो फिर प्लास्टिक के जरिए हम लोग उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, केरोसिन वेरोसिन नहीं है, केरोसिन होता तो हम लोग जला लेते। सच में मैं तो वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब ये बनेगा और मेरा मुँह में जाएगा। सच में वेट कर रहे हैं। Japok. Maza Falcon Festival. गाइस आप वापस देख रहे होंगे, बहुत दूर है। हाँ, यहाँ पर नीति मोहन गाना गा रही है, जिया रे। सो अभी आज तो हम लोग नहीं घुसेंगे क्योंकि आज हम लोग का प्लान थोड़ा अलग है, बट यहाँ पे गाना गा रहा है। आप सुन सकते हैं शायद से, अगर सुन सके तो। बहुत दूर है गाइस, बहुत दूर है सच में। अगर आपको आवाज़ सुना आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज हम लोग नहीं घुसेंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग कल घुसेंगे, कल और परसों घुसेंगे, आज तो नहीं घुसेंगे। सो आज अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ठीक है, देखते हैं। अगर मैं ट्राई करूँगा, अगर वहाँ पे जाऊँगा तो आपको ज़रूर सुनाऊँगा गाना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मौका चांस मत गवाइए। आप जल्दी से घर से निकलिए और जल्दी से आइए। अभी हम लोग यहाँ पे फैल्कन फेस्टिवल के यहाँ पे ग्रैंड फैल्कन हो रहा है, कुछ समथिंग कुछ ग्रैंड फैल्कन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सो अभी हम लोग जाएंगे अंदर पे और वहाँ जाके देखते क्या होता है आगे। देखे ये मेरे दोस्तों के यहाँ पर सब लोग यहाँ पे 1 2 3 4 आई लव यू भाई। यहाँ पर गिव इट अ चांस क्या बोल रहा है बहुत ज्यादा। ग्रैंड फैल्कन होगा यहाँ पर। गाइस यहाँ पे देखो इतने सुंदर लड़के लोग खड़ी है। यहाँ पे चूज होगा कि कौन सा ग्रैंड फैल्कन होगा। देखा तो नहीं है पर कसम से इतने सुंदर लड़के लोग खड़ा है, शायद मैं तो देखा नहीं चाह रहा। आप देखो यहाँ पर it's Neha Bodo. Neha Bodo. Hello, Dinka. Hello, ma'am. Okay, my question to you would be: what are the 3 things you would never do to the person you love? Thank you for your question, ma'am. My answer to this question would be the 3 things. Can you repeat the question, ma'am? Sure. What are the 3 things you would? गाइस यहाँ पर जेन फैक्टर सेलेक्ट होने वाला है, पर पता नहीं कौन सेलेक्ट होगा क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं। तो जो भी हो भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो। यहाँ पे मेरा फ्रेंड है तो अब हाय, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन लोकल फ्रेंड लोकल एक्सप्लोर। अबे ये फर्स्ट स्टेज आ रही है, तो सेकंड स्टेज वहाँ पर है गाइस। आप देखो वहाँ पे स्टेज है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे सेकंड स्टेज में, वहाँ पे जाके देखते क्या आता है, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग वो फर्स्ट स्टेज में था जहाँ पे ग्रैंड फाइनल हो रहा था। अभी हम लोग आ गए हैं सेकंड स्टेज पर। यहाँ पर जो है हमें सब थोड़ा डीजे कुछ ऐसा कुछ होगा, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं मस्ती करने के लिए। क्या भाई कुछ मस्ती करेंगे ना? वी आर एंजॉयिंग टुनाइट। एंड यहाँ पर कुछ समथिंग क्या कुछ लिखा है, बैटल ऑफ समथिंग कुछ पता नहीं। तो 4 3 2 1 स्टार्ट होने वाला है, उसके 5 मिनट भी होने वाला है, उसके बाद देखते क्या। यहाँ पे मोन्सो को देखो, यहाँ पे कितना लड़के मिल रहा है, पता नहीं इसका जान पहचान का दोस्त लोग है। सो यहाँ पर गाइस देखो यहाँ पे कितने लोग हैं यार, कसम से। आप सब लोग यहाँ पे देखो लोग बैठे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर बैटल ऑफ द कुछ समथिंग लिखा, मुझे इतना दूर से दिखाई नहीं था, पर यहाँ पर मजा होगा कसम से। यहाँ पे स्टार्ट होना है, देखो बैंड हो रहा है बैटल। यहाँ पर इतना लंबे लंबे बालों के साथ कौन खड़ा है पता नहीं। इसके बाद यहाँ पर और एक है, यहाँ पर और एक है, देखते हैं इन लोगों का सॉन्ग के साथ, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ मून को ढूंढने के लिए, वो है स्टॉल नंबर 44 समथिंग पता नहीं। यहाँ पर इतना सारा स्टॉल है ना, तो मुझे पता नहीं, तो वहाँ पर 1 2 3 4 करके 42 तक है, तो 43 यहाँ पर होगा समथिंग। तो मैं अभी मून को देखने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर, तो देखते हैं। वो अभी खाना खा रहा है तो उसको अभी पकड़ेंगे, ठीक है, और उसका खाना थोड़ा खा भी लेके देखते क्या होता है 44, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग जिस स्टॉल में घुसे वो है स्टॉल नंबर 59 समथिंग, तो 44 उस आगे में है। तो ये है मिडल 44 का ढूंढते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ चलो। इतना ठंडा नहीं है कैसे, जितना सोचा था इतना ठंडा नहीं है। पर लास्ट ईयर जब मैं आया था तब इतना ठंडा नहीं था, पर अभी उस टाइम पे ज़्यादा ठंडा था, तो इस टाइम पे थोड़ा कम ही ठंडा है। तो देखते हैं 44 कौन सा वाला है। गाइस आप पर देखो क्या डीजे चल रहा है यहाँ का, देखो और एक भैया मिला मेरे को, ठीक है यहाँ पर कौन मिला रे भाई कसम से, ये मेरा सबसे बड़ा भैया है और सबसे बेस्ट भैया है। प्लस यहाँ पर और भी दोस्तों बैठा हुआ है यहाँ पे, वो फोन से कर रहा है, आग जल गया से, आग में धुआं घुस गया यार, आग में धुआं घुस गया यार, मजा कर रहे हैं। दोनों लोग यहाँ बैठा हुआ है, मस्त से बैठा हुआ है, बहुत मजा आ रहा है। और आज और एक फ्रेंड मिल गया मेरा, का सबसे मेरा क्लोज फ्रेंड है, और ये है पार्कर, ये मेरा पार्कर भाई है, असली नाम है सुमित नुनिसा सर। ये बहुत ही हैंडसम है कसम से। अगर आपको किसी लड़की को चाहिए तो देखो ये लड़की, ये सिंगल है, इसको पूरा लड़की मिल जाएगी कसम से, पुलिस अपनी है तो मिल जाएगा। जो जोकी का मजा कर रहा हूँ, लेकिन है पुलिस है सर, पुलिस क्या चिल्ला रहा है, वाह 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 चिल्ला रहा है। तो ये ब्लॉग में रहो, रुको आप रुको, आपको सुना दे रहा है आई थिंक। ब्लॉग बन रहा है सब रेड पैकल लग, क्या नाम है पता नहीं, वहाँ पे जाएंगे अभी हम लोग। यो 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 चला रहे क्या गिटार बजाएगा, यो 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 कर रहा है, पता नहीं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आगे जाके मैं उठाता हूँ। फैक्टर फील कर रहे हैं। तो इनका दौर में हम लोग बैठे हैं मोनिका जौहरी। तो हम लोग मोनिका जौहरी के घर स्टॉल पे हम लोग यहाँ पे बैठे थोड़ा गपशप मार रहे हैं। गैस बड़ा मजा आ रहा है। और क्या बोला था? मेरा नाम है बबली लंगोसा। बबली ये तो हम शंभराव है। वी आर शंभराव। कैसे पता लगा? अरे आपने बोला अभी। सॉरी मुझे मैं खुद भूल गया था। मैं बंसा और शंपोरा होता है ना सा। तो हम लोग शंपोरा हो गया तो हम लोग ठीक था। हम लोग मस्ती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे मेरा फ्रेंड लोग भी है। सो अभी हम लोग थोड़ा पार्टी कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी आ रहा है, पता नहीं कहाँ पर है, वो ढूंढ रहा है मेरे को। मैंने बोल दिया कि उसको कि हम लोग स्टॉल नंबर 12 में है, तो वो अभी आएगा। मेरा भाई है।